पर वन विभाग वाले पता नहीं क्यों उसको ले गए। जब वहां उसने हमको देखा था, जब वहां छोड़ने गए थे, ऊपर से उड़ के आ रहा था, फिर जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी वहां आके उतर गया वो। कोई कह रहा पैर में बांधे हैं, कोई कह रहा बंद करके रखे हैं रूम में। कितने पक्षी, कितने जानवर, कितने पशु ऐसे रोड में मरे मिल जाएंगे तुमको, तब ये वन विभाग वाले नजर नहीं आते। ये दुनिया में चल के आ रहा है यार, इसी किसी इंसान की मोहब्बत नहीं देखी जाती यार। जख्मी था जब उसकी नीड थी, जब वन विभाग वाले नहीं थे यार। कैसे दोस्तों, तो गाइस आज कोई व्लॉग्स नहीं है कि मैं आपको कोई व्लॉग सिखाऊं। आज आपसे कुछ बात करनी है यार। जैसे कि आप जानते हैं आरिफ और सारस कितनी ज़्यादा दोस्ती उनकी वायरल हुई और कितना ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसकी नज़र हमारे वन विभाग को लग जाती है और वो वन विभाग उस सारस को लेकर चले जाते हैं। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा दुख होता है यार जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, उसको सराहने के बजाय उसके मतलब उसको अलग कर दिया जाता है यार। पहले आप ये क्लिप देखिए, यहाँ पे आरिफ भाई कितना ज़्यादा रो रहे हैं यार। लाइव आए थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक सारस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। पहले आप ये लाइव देखिए गाइस, लाइव देखिए। मतलब यार एक कोई पॉइंट होता है यार, ये कोई चीज़ है। लोग शेर पालते हैं, टाइगर पालते हैं, उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर कोई इंसान किसी एक पक्षी की जो घायल अवस्था में था उसकी हेल्प करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका एक ऐसा फैमिली मेम्बर उसे प्यार करता है, सब कुछ करता है। उसके बाद क्या होता है, उसको वन विभाग वाले आते हैं, उसको ले जाकर चले जाते हैं। क्या वो वहाँ खुश नहीं था? वो हंसता था, खेलता था, साथ में उठना, साथ में बैठना, खाना पीना, सब कुछ। और शायद आरिफ भाई से ज़्यादा उसकी केयर कोई नहीं कर सकता। क्या गारंटी वन विभाग में वो जिंदा रहेगा बताइए आप? क्योंकि भाई वो दोनों एक साथ खाना खाते थे, वो आरिफ भाई के बगैर खाना तक नहीं खाता था। पहले आप ये लाइव देखिए, आरिफ भाई ने लाइव में आकर क्या क्या, उनके जो इमोशनल थे वो अपने लाइव में आकर शेयर किया। पहले आप ये लाइव देखिए। पर वन विभाग वाले पता नहीं क्यों उसको ले गए। जब वहां उसने हमको देखा था, जब वहां छोड़ने गए थे, ऊपर से उड़ के आ रहा था, फिर जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी वहां आके उतर गया वो। उतरने के बाद फिर से आए वो लोग, दोबारा पकड़ के उसको ले गए। फिर शायद उसको बांध दिए हैं किसी चीज से या बंद करके कहीं से रखे हैं। कोई कह रहा पैर में बांधे हैं, कोई कह रहा बंद करके रखे हैं रूम में, पता नहीं। फिर वहाँ मेरा किसी से वो भी नहीं है कि हम पता करें कैसे है कैसे नहीं। चलिए ठीक, जो सब होगा सुबह बताएंगे भाई, जैसा होगा सुबह देखते हैं भाई बताएंगे। पता नहीं खाना वाना दिए उसको तालाब में, पता नहीं क्या खाएगा। जब से मेरे पास था वही दाल चावल सब्जी रोटी गेहूं, यही सब खाता था। चलिए ठीक है, आप लोग दुआ कीजिएगा। तो गाइस लाइव देखा, मतलब यार लिटरली यार बहुत ज्यादा इमोशनल था जब वन विभाग वाले आते हैं और उस सारस को लेकर जाते हैं। तो लिटरली यार मतलब क्या चाहिए, मतलब ऐसा क्यों होता है? जो काम अच्छा करता है उस अच्छा करने वाले के इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? अगर वहाँ पे कोई और होता, या तो आरिफ भाई वहाँ पे ना पहुँचते, और शायद आरिफ भाई ना पहुँचते तो आज वो सारस इस दुनिया में नहीं होता। तब वो वन विभाग वाले नज़र ना आते कि जाकर देखें, जाके खेतों में जिनकी जो टीमें जो बैठे रोटी तोड़ रही है, जाके देखें ना उनका काम क्या है। देखिए जाके जंगलों में कितने घायल पक्षी भी मिलते हैं। आरिफ भाई जैसे वो सारस, आमिर भाई हमारे जो हैं, उन्होंने एक बचपन से उसको पाला है यार। उसके बाद वो बेचारा मुझसे बोला था कि भाई मेरा क्या होगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। तो यार मतलब हद है यार, कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है यार? यहीं पे अगर वो काम ना करते जैसे वहाँ पे था, वहाँ पड़ा रहता तो क्या होता बताइए आप बताइए ना। आरिफ भाई या हमारे आमिर भाई जो हैं दोनों, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट ना करते और उसकी हेल्प ना करते तो आज वो भी मर जाता, कौन होता बताइए? कहाँ थे वन विभाग वाले? आप इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, आपने सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा कि आरिफ भाई सारस से कितना प्यार करते थे और वो सारस आरिफ भाई से कितना प्यार करता था, आप सब ने देखा है। उसके बाद भी ये नतीजा, सिर्फ राजनीति, तो क्या ये सही था यार? आरिफ भाई कितना उदास थे, वो ये वाले वीडियो भी आप देख लीजिए, ये वाली वीडियो आप देखिए, यहाँ पे आरिफ भाई अपने आंखों को बार बार पोंछते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो अपना जो दर्द है ना वो किसी से शेयर नहीं कर सकते थे यार, क्योंकि उनका जो दर्द था वो खुद जानते हैं।
कि उन पे क्या बीत रही है। पूरे एक साल से उसके साथ उठना, साथ बैठना, साथ रनिंग करना, साथ खाना, हर चीज़ उसके साथ होता था, और एक पल में वो चीज़ उनसे जुदा कर दी जाए, वो भी एक कोई वजह नहीं, क्या वजह है बताइए। राज की पक्षी उसको जाकर चिड़ियाघर में डाल देंगे। मैं अभी चिड़ियाघर में गया था, उसका वीडियो मैं लाने वाला हूँ। चिड़ियाघर में सारे जितने पक्षी होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मनोरंजन का साधन होता है, लोग जाते हैं फोटोज खिंचाते हैं बस, और कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया इमोशनल है यार, उनकी जो प्यार था, जो दोस्ती थी, दुनिया और देखना चाहती थी यार। इससे क्या लोग मोटिवेट होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं कि जब आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं, हेल्प करने बजाय वहाँ पे दूसरा उल्टा हो जाए वहाँ पे। तो वही आरिफ भाई के साथ हुआ हमारे, उन्होंने उसकी हेल्प की और उसका फल क्या मिला बताइए आप, उन्होंने उसको जुदा कर दिया। यहाँ पे हमारे आमिर भाई भी हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। तो भाई सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आप लोग को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आपको प्रे भी करना पड़ेगा कि भाई जो सारस है हमारे आरिफ भाई को फिर से मिले, क्योंकि भाई वो बिना आरिफ भाई के जिंदा नहीं रह सकता, हमें पता है। जैसा आपने वीडियो देखा, अभी यहाँ पे ये भी खेल भी देख लिए। जब उसको लादा जा रहा था तो कैसे टोंट मार रहा था, जो वन विभाग वाले आदमी उनको टोंट मार रहा था, काट रहा था उनको, क्योंकि वो भी फील कर रहा था कि मुझे अपने मालिक से दूर किया जा रहा है। और शायद आज उसने भी खाना नहीं खाया, आरिफ भाई जब से खाना नहीं खा रहे हैं। तो भैया आप लोग बताइए यार, क्या ये सही है? कितने पक्षी, कितने जानवर, कितने पशु ऐसे रोड में मरे मिल जाएंगे तुमको, तब ये वन विभाग वाले नजर नहीं आते कि जाकर देखें कि कहाँ पे हमारे पक्षी मरे पड़े हैं, उनको जाकर ट्रीटमेंट करें, उनके हेल्प करें, जाके ले जाएं। तो कोई इंसान उसकी हेल्प करता है, उसको वो करता, बढ़ावा देता, खाना पानी। आमिर भाई को तो हिस्ट्री अलग थी यार, इतना छोटा बच्चा, आप सारे फोटो देख सकते हैं, इतना छोटा बच्चे से उसको पाला है, आज वो इतना बड़ा हो गया है। उसके पापा बाजारों से मछली लेकर आते थे उसके खाने के लिए, और हमारे आमिर भाई मच्छर डाल लेकर तालाबों में से छानते थे मछली, किसके लिए? सारस के लिए, कि वो भूखा ना रहे। आज जब वो इतना बड़ा हो गया, उसको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया गया है, तो ये वन विभाग वाले आते हैं उसको लेकर चले जाएंगे। बताइए अगर आप किसी घर में अपने कुत्ते को पाल लीजिए या किसी पक्षी को पाल लेते, जब उड़ के चले जाता है ना, तो कितना दुख होता है। तो यहाँ पे तो भाई सीन ही अलग है, उसको ऐसा माँ प्यार किया गया है। भैया कुछ नहीं, आपको आवाज़ उठानी है, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो ऑडियंस है, आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करिए, कुछ भी करिए, हम नहीं जानते, बस आपको ट्वीट करना है और आरिफ भाई को सारस मिलना चाहिए, और हमारे जो आमिर भाई उनका भी सारस जाना नहीं चाहिए। तो भाई यार बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है यार, ये दुनिया में चल के आ रहा है यार, इसी किसी इंसान की मोहब्बत नहीं देखी जाती यार। कोई इंसान अगर खुश है तो खुशी नहीं देखी जाती, यहाँ पर राजनीति है या और कोई मामला। बाकी तो आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है भाई ये बहुत गलत है। और शायद हम, मैं नहीं, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी इमोशनल होंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब इंसान एक इंसान से कितना प्यार करता है, एक पक्षी से इतना प्यार कर रहा है, उसका देख रेख कर रहा है, और शायद वो पक्षी से, अरे भाई चाहते कोई इसकी देख रेख नहीं कर सकता, कोई केयर नहीं कर सकता भाई, तब क्यों ऐसा हुआ यार? उसको लाद के ले जा गया, उसको जाके भी चिड़ियाघर में बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। वहाँ तो ये आज़ाद था, अपनी मर्जी का मालिक था, सुबह उठते थे उड़ के चला जाता था अपने अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास चला जाता था, जब मन करता था आरिफ भाई के पास आ जाता था, तो वो फुल फ्रीडम थी। लेकिन वन जहाँ लेगा चिड़ियाघर में, वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, वहाँ ताला बंद हो जाएगा, लोग आएंगे फ़ोटो खिंचवाएंगे और हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे, और कुछ नहीं, कोई फ्रीडम नहीं। तो फाइनली गाइस बहुत बुरा हुआ, आप लोग बताइए क्या सही है क्या गलत यार, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या प्यार करने वालों की, क्या हेल्प करने वालों की सजा यही है? तो ऐसे में यार कोई प्यार ही नहीं करेगा किसी से, कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। कोई मर रहा है तो मरने देगा भाई, कि छोड़ो यार क्या मतलब है, लास्ट में फल तो वही होने वाला है ना, वन विभाग वाले आएंगे उसको लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब वो चीज़ घायल थी, जब वो जख्मी था, जब उसकी नीड थी, जब वन विभाग वाले नहीं थे यार, तो बहुत गलत हुआ यार, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और शायद इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता किसी के साथ। बाकी आप लोग बताइए क्या सही था क्या गलत है,
आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, शायद आप लोग के आवाज़ की बदल से ये सारस फिर से वापस आ जाए और शायद फिर से आरिफ भाई और हमारा सारस फिर से मिल जाए। तो आप लोग प्रे करिए, दुआ करिए, ताकि अगर एक का वापस आएगा तो हमारे जो आमिर भाई है उनका सारस भी है, शायद उस पर कोई प्रॉब्लम्स ना पाए। फाइनली गाइस, बहुत ज़्यादा दुख है यार, बहुत ज़्यादा मतलब यार इमोशनल था मैं बैठा था यार, तो मैंने कहा वीडियो बनाने चाहिए, आप लोग से बात करूँ यार, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं यार, आप ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग सब कुछ आवाज़ें उठा सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हैं और आप ही लोग सारस को वापस भी कर सकते हैं। आपका एक ट्वीट करिए, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, बताइए कि ये गलत हो रहा है भाई। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी सज़ा ये नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे कोई यार किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। फिर कोई रास्ते में अगर कोई पक्षी मिल जाएगा तो कोई भी किसी की हेल्प ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ना उसका नतीजा क्या होने वाला है, उसका नतीजा वही होगा, वन विभाग वाले आएंगे उसको लेकर चले जाएंगे भाई। तो फाइनली गाइस, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग आवाज़ उठाइए, इस पर बात करिए, इस पर ट्वीट करिए, अपने अपने कमेंट सेक्शन अपनी राय दीजिए, क्या सही था, क्या गलत था, क्या ये होना चाहिए था, क्या एक इंसान को एक पक्षी से अलग करना चाहिए था, जहाँ पे वो इंसान इससे प्यार करता है वो पक्षी भी उस इंसान से इतना प्यार करता है, वो एक पक्षी उसके बिना रह नहीं सकता, खाना नहीं खाता, हर कदम पर उसका साथ चलता है, तो क्या उस पक्षी को अलग करना चाहिए था, आप बताइए। आप लोग अपने अपने कमेंट कर सकते हैं, राय दीजिए और ट्वीट करिए, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ पर ट्वीट करिए # सारस को वापस करो, जो भी है बिला बिला वहाँ पर ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करिए जिससे सारस फिर से आरिफ भाई को मिल सके। अमर, तो बस आज के इस वीडियो में इतना, बस मैंने सोचा कि आपसे बात करनी चाहिए कि आप ही सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो बस आज के इस वीडियो पर इतना ही।